हाँ भाई हेलो। तो आज हिंदी का दिन है और आज भी बहुत कुछ है कहने को, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ होता है। और आज मैंने सोचा कि मैं ए आ ऊ नहीं करूंगा। कोई अगर वर्ड मुझे लगता हुआ कि नहीं बोल रहा तो वेट कर लो, चाहे कि मैंने एक और चीज सोची है कि कॉलेज खत्म होने तक, मतलब ये जो मेरे पास 2 महीने हैं, क्या है अभी मार्च का मिड आ गया और मार्च अप्रैल आता है ना, एग्जाम में मार्च अप्रैल अप्रैल मई, हाँ 2 महीने हैं। और फिर जब एग्जाम होंगे उस टाइम भी, तो इन 2 महीनों में मेरा पूरा फोकस, क्योंकि एग्जाम का क्या, एग्जाम तो जहां तक ऑनलाइन ही होंगे, पूरा फोकस एक तो बोलने पे होगा और एक इंग्लिश पे होगा, बस इन दोनों चीजों पे। क्योंकि जो भी मैं आगे बनना चाहता हूँ, सोचना चाहता हूँ, जब भी मैं सोचता हूँ तो ये दो चीजें कहीं ना कहीं इफेक्ट करती हैं। जैसे कि मैं भी संतरा खा रहा हूँ तो इसलिए आवाज थोड़ी अलग आ सकती है, मैं फेस ले सकता हूँ थोड़ा सा। हाँ तो जोश चढ़ गया कि भाई अब तो आईपीएस बनना, चाहे रैंक 1 आए चाहे रैंक 800 आए। और उसका सिर्फ एक कारण था कि फिजिकल ट्रेनिंग, क्योंकि आईएएस में क्या होता है, तुम मानो ना मानो थोड़ा सा पॉलिटिशियन का रोल प्ले करते हो, मतलब लोगों के पास जाना, बात करना, ये करना, वो करना, तो कंफ्यूज हो गया मैं तो बिल्कुल ही, कि करूं क्या भाई। जॉब मिल गई, आईपीएस मेरे लिए तो बना है, ऐसे ऐसे
ऐसे थॉट्स आने लग गए। तो फिर और उसके बारे में भी जब मैंने विकिपीडिया में पढ़ा था, तो जो उसके टास्क और सर्विसेज में लिखा था कि क्राइम को देखना, लॉ एंड ऑर्डर को वो करना, रेगुलेट करना, सस्टेन करना, और जो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में फ्रॉड हो रहे हैं इनको करना, और टेररिस्ट वगैरह की जो एक्टिविटीज होती हैं उनको देखना। तो मेरे को आ गया, अरे भाई इसमें तो बंदूक बंदूक चलाने को भी मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, लेकिन मैं तो अभी वैसे कहा ही देख पाऊंगा, लेकिन असलियत को कहीं ना कहीं मैं छोड़ रहा हूँ। असलियत क्या है कि लाइफ तुम्हें ठोकरे मारेगी, तुम आराम से जा रहे होगे हंसी खुशी की, अब तो लाइफ सेट, अब तो बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, और फिर आगे से लाइफ खींच के थप्पड़ मारेगी, खींच के, और फिर आप थप्पड़ खा के नीचे गिर जाओगे, और फिर भी उठना है। अभी थप्पड़ खाई नहीं है ना, इसलिए ख्वाबों की दुनिया में है। तो कुछ भी हो, मैंने तो अभी यही सोच रखा है कि एक दो बार आईएएस का अटेम्प्ट देंगे, मतलब देना तो 5 बार है, एक दो बार ओनली आईएएस पे फोकस रखेंगे, फिर आरएएस पे भी फोकस ले आएंगे। बेटा थप्पड़ खाएगा तू लाइफ से। हाँ तो अभी सीधी बात ये है कि जो भी 2 महीने है मेरे पास, इनमें कॉलेज का तो पढ़ना ही है, ऑनलाइन एग्जाम हुए तो, अगर नहीं हुए तो फिर ऑफलाइन एग्जाम हुए फिर तो सारा टाइम इसे डिवोट करना है। और अभी जहां तक ऑनलाइन ही होंगे तो उसमें क्या है कि 2 महीने ये तो पढ़ना है, और जो मेरे को एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा उसमें स्पीकिंग है, और एक तो इंग्लिश, और बोलने को जितना बेहतर कर सकते हैं, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना पूरा दम लगा दो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी तू सोचता है, जो भी तेरे ड्रीम्स हैं, वो इस पे निर्भर करते हैं। कुछ बनना चाहता है लेकिन फिर ये बीच में आ जाता है, बनने नहीं दे रहा, कोई बात नहीं। तो जो आज मैंने अपना डेली टास्क बना रखा था, उसमें भी 4 सब्जेक्ट हैं कॉलेज के, उनके हर जो मैंने 10 ईयर खरीदी है, सबके 10-10 पन्ने कंप्लीट करने थे, तो एक का हुआ है। दूसरे के 6 पन्ने हुए हैं, 2 और बाकी हैं, और एक के तो 15 करने हैं, कोई बात नहीं।
করবার? আমি বুঝলাম বহুত ভুক লাগতে আর ইয়ে শায়দ না রানিং ঠিকঠাক কর রা হ ইসলিয়ে হো রা শায়দ ইয়ে আর মন মে আতা হ্যায় কি মন মে বার বার আতা হ্যায় কি আজ জেসে 19 তারিখ হ্যায় 19 ফরবরি 19 মার্চ তো মানে সোচ রা হ্যায় কি মহিনে কে এন্ড তক তো আপনা মতলব ফুল রানিং কো ঠিকঠাক ইম্পর্টেন্স দেনি হ্যায় মতলব স্পিড মে স্পিড মে স্পিড মে রানিং করনি হ্যায় আর ফির আপনা ভাই স্লো মে দো রাউন্ড মার কে আগে খতম সোচা দেখতে কিতনা অ্যাপ্লাই হতা হ্যায় কুছ
رہی تھی میری کھینچ کھانچ کے، مطلب اصلی میں کوئی زیادہ ڈھیلا ویلا کر کے نہیں، فل ٹائٹ کر کے ایجٹ آ رہی تھی. پھر میں نے سو گیا. پھر میں نے شاید اسی ٹائم آئی پی ایس کی ٹریننگ کے بارے میں دیکھا تھا، اور پھر تو میں آسمان ساتویں آسمان پہ چڑھ گیا، اور یہ وہ دوپہر میں نیند بھی نہیں آئی. ایسا نہیں ہے میں لیٹا نہیں تھا، لیٹا تھا لیکن نیند ہی نہیں آئی. ایک گھنٹے بعد بھی میں اویئر تھا کہ ہاں الارم بجنے والی ہے، ہلکی پھلکی آئی ہوگی شاید، جو اوپر کی لیئر ہوتی ہے نیند کی وہ ٹچ ہوئی ہوگی بس. تو آج ایک چیز یہ سمجھ میں آئی کہ تھوڑا سا ہارڈ ورک تو کرنا ہی پڑے گا، اور تھوڑا سا ہارڈ ورک تب کرو گے جب انجوائے کرو گے کام کو تب، اور انجوائے بھی نہیں کرو گے تو پھر تو ہارڈ ورک ہی ہارڈ ورک ہے. اس لیے انجوائے بھی کرو، ہارڈ ورک بھی کرو، اور بیلنس بیلنس کرو مت بھولنا. ایفرٹ لگا کے ہی کچھ نیا ملے گا.